41 Express, Karakoram Express, on its way to platform number probably 2. आज मैं कोशिश करूंगा प्लेटफॉर्म काकरम एक्सप्रेस का भी मैं रिव्यू दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसकी फरमाइश भी की है, कुछ लोगों ने डिमांड की है। तो काकरम एक्सप्रेस पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कही कहा जाता है इसके बारे में। अगर लाहौर से 3 बजे चलती है और कराची पहुंचने का टाइम इसका 9:30 से 10 बजे के दरमियान, और इसमें 18 के अराउंड बोगीज हैं, जिसमें इकॉनमी क्लास, एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस और एसी स्लीपर इंक्लूडेड है। आज मैं कोशिश करूंगा इसकी इकॉनमी क्लास का मैं रिव्यू दे सकूं। आई एम सॉरी फॉर माय कैमरा, मैं बोलते हुए कैमरा थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं टू मेक इट स्टेबल। ये एम्प्टी बॉगीज हैं जो कि अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रही हैं। 3 बजे इसका डिपार्चर का टाइम है और ये अराउंड 2:30 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये खड़ी हो जाएगी ताकि पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सके इन टाइम। क्लास के रैक, बिजनेस क्लास और इकॉनमी क्लास, इसमें एसी स्टैंडर्ड और एसी स्लीपर नहीं है। पहले मुझे इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली था। ओह माय गॉड, सेटिंग पर्पस के लिए जो हम इस पर इंजन दिया गया है प्रोबेबली पीएचए है। PHA 28320 इसको शेडिंग करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ लेकर जा रहे हैं। मीनवाइल मैं कैप्चर करूंगा जिना एक्सप्रेस का डिपार्चर यहां से, और तब तक मैं फ्री हो जाऊंगा और सर मैं इसका एक रिव्यू दूंगा अगर पॉसिबल हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर पे काकरम एक्सप्रेस इसका खड़ी है। लेट्स हैव अ व्यू फ्रॉम इनसाइड ऑफ इकोनॉमी क्लास। यहाँ का रश अपनी सीट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये यहाँ का कंडीशन थी, ये यहाँ के वॉशरूम क्लीन ब्रश और ये यहाँ के गेट और जो रास्ता जैसे बोल जाता है।
इंजन। एक बहुत ही यंग रेल फैन है जो कि यहाँ पे रेल फैनिंग के लिए आए हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। और नाम है उनका, स्पेशली उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था, आज मेरा आने का इरादा नहीं था लेकिन उनकी वजह से मैं आज आया हूँ। दिस इज़ दी 40 9037